Hello friends, you are most welcome to your own YouTube channel Fitness Tips by Anil Kumar Pandey. दोस्तों आज हम शव उदराकर्षण आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे ट्विस्ट पोज भी कहते हैं, एब्डोमिनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। इसको करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, यह मध्यम समूह का आसन है, सबके करने योग्य आसन है, बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसके करने से हमारे एब्डोमिनल पेट संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं, स्वस्थ रहता है, इंटरनल ऑर्गन्स पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। सीधे लेट जाएं, पैरों को फैलाकर हाथों को फैला लें और मुट्ठी बांध लें। दाहिने पैर को उठाएं, घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने पर दाहिने पैर को रखें। बाएं हाथ को उठाएं, बाएं हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ लें। दाहिने पैर के घुटने को बाईं तरफ झुकाएं, गर्दन को उल्टी दिशा में दाहिने तरफ झुकाएं, ट्विस्ट कराएं, बॉडी पूरी तरह मुड़ जाए, दाहिना घुटना जमीन से टच हो जाए, सर दाहिनी तरफ मुड़ा रहेगा, अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर केंद्रित करें। इस अवस्था में जितना देर रुक सकते हैं रुकें, पुनः सीधे हो जाए, पैरों और हाथों को फैला लें। अब इसका उल्टा करना है, बाएं पैर को दाहिने घुटने पर रखें, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़ें, बायां पैर दाहिनी तरफ मुड़ेगा और गर्दन से सर बाईं तरफ, पूरी बॉडी ट्विस्ट कराना है। ध्यान बाएं हाथ के अंगूठे पर, आंखों को केंद्रित करें, देखें बायां घुटना जमीन से टच रहेगा। इस अवस्था में आराम से जितना देर रह सके रहें, 10-20 सेकंड रहने का अभ्यास करें। सीधे आ जाएं, पैरों को सीधा कर लें, सर को भी सीधा कर लें, या एक चक्र पूरा हुआ। इसका 5-10 चक्र करने का अभ्यास करें नियमित तौर पे। इसको करने से पेट संबंधी समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसी समस्याएं कभी नहीं होती हैं।
यह आसन तोंद को निकलने से भी रोकता है, एक्स्ट्रा फैट नहीं होती है, बर्न होती है, जिससे बॉडी फिट होती है। डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। जिन्हें साइटिका या गंभीर पीठ दर्द की समस्या हो या गर्भवती स्त्रियां इस आसन का अभ्यास न करें या डॉक्टर की सलाह से करें। पांच चक्र में एक सेट पूरा हुआ। इसका दो से तीन सेट करें। कितना भी देर बैठ के काम करना हो कोई समस्या नहीं होती। इसको करने से पेट दर्द जैसी समस्याएं दूर होती हैं। किडनी लीवर पैनक्रियाज जैसे अंगों को इंटरनल ऑर्गन्स को यह आसन पुष्ट करता है, बलवान करता है, उनकी एक्सरसाइज कराता है। पेट की साइड मसल्स को टारगेट करता है, एक्स्ट्रा चर्बी को गलाता है। ये दो सेट पूरा हुआ। कुछ देर विश्राम करें, शवासन की अवस्था में रहें। कोई भी आसन करने के उपरांत कुछ देर विश्राम की अवस्था में रुकना चाहिए, शवासन में रुकना चाहिए। उसके बाद ही खड़े हों या बैठें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट लिखें, लाइक करें। और यदि आपने अभी तक फिटनेस टिप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे।